मेरी आंखों में पानी भर आया। कोई बात नहीं। धारवी को जो है लास्ट बार सुना दी बस। ए यार क्या लास्ट बार, एक महीने बाद आऊंगी मैं। वो लास्ट बार कर देगा। आऊंगी ना मैं एक महीने के लिए, जुदा हो रही मैं अपनी बेटी से पहली पहली बार। एक महीना तो मैं उसको सुला रही हूँ। तो अभी ज्योति जो है ना 3 बजे जो है यहाँ से निकल लेगी, तैयार व्यार हो ले फिर। हाँ बस मैं भी तैयार लग रही हूँ। मेरा ना दिल बहुत वो कर रहा है धक धक कि मैं ना पहली बार इनसे भी दूर जा रही हूँ। एक महीने के लिए मैं कहीं नहीं रही, एक महीना पहली बार जा रही हूँ मैं। वो भी साइकेट्रिक पोस्टिंग पे जा रही हूँ मैं, तो वो जरूरी है मुझे जाना। अगर नहीं जरूरी होता तो मैं जाती नहीं, सच्ची बात आई है। क्योंकि मुझे बेटी से भी दूर होना पड़ रहा है, पति से भी। तो मैं एक महीने के लिए इनसे जुदा हो रही हूँ। देखो मेरी आंखों में पानी भर आया। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अमृतसर बेबी बोल रही है कि गौ जा रही है। गाइस ये देखो, तो अभी पैकिंग पूरी कर लिया है। पूरी पैकिंग मैंने कर लिया, 2 बैग में लेकर के जा रही हूँ। और ये मैंने कोट डाल कर जाना है, इसके ऊपर कोट डालूंगी। बोला था हाँ, बोला स्पेशली कि व्हाइट कोट ही डाल कर आना, वरना मैं एंट्री नहीं कर दूंगी रेलवे स्टेशन पे। चलो इयररिंग्स डालती हूँ, देखती हूँ कानों में। मैं तो अच्छे लग रहे हैं, जल्दी घर में रोटी भी खानी है। चलो ठीक है फिर, आप खाओ रोटी खाओ। यार वो बेचारी हो जाए आज, एक महीने की पूछ हमारी। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। एक महीने के लिए छुट्टी पे यूट्यूब से। टाटा मिस यू तो बोल देनी हूँ। आई मिस यू ऑल। आई मिस यू ऑल। कूड़े में लग गई है। सभी हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। बस अभी 4:40 की ट्रेन है शायद, है ना। तो फिर कैसा लग रहा है आपको? बस अभी तो हम जा रहे हैं। और आप ना मेरे पीछे से छुट्टी मत करना, वीडियो जरूर बना लेना। कभी मेरे पीछे से ऐसे ही बने रहो, है ना। रेलवे स्टेशन है लद लो भैया किधर। सम्मान कैसे पहुंचाया फिर अभी क्या? तो हम ये सोच रहे थे उससे आगे जाना पड़ रहा है हमें। चलो फिर धार्मिक का भी ख्याल रखना, सब घर वालों का ख्याल रखना। और मुझे टाइम से टाइम याद।